हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये हमारे पास कैनन की एडवांस सीरीज़ की 4245 मशीन है। तो दोस्तों, इस मशीन में क्या है, इसमें पिकअप यूनिट्स की प्रॉब्लम आ रही है 3 नंबर ट्रे में और 4 नंबर ट्रे में। तो दोस्तों, हमने जो इसकी पिकअप रबर हैं वगैरह वो भी रिपेयर करके मतलब रिप्लेस करके देख ली हैं, तो वो सही से फिर भी काम नहीं कर रही है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगा कि हम इसकी जो 3 नंबर ट्रे है और 4 नंबर ट्रे है, इनकी जो पिकअप यूनिट है उनको हम कैसे ठीक करेंगे। और अगर एनी कंडीशन, जैसे कि हमारे पास पिकअप यूनिट अवेलेबल नहीं भी होती है, तो हम 3 और 4 नंबर के जो मदरबोर्ड्स हैं उनको डिस्कनेक्ट करके अपनी मशीन को 1st और 2nd ट्रे से कैसे चलाएं, जिससे कि हमारी जो मशीन है वो चालू तो हो जाए एटलीस्ट, जिससे कि जो मशीन हमारी बंद ना रहे। दोस्तों, जैसे कि हमारे पास ये 4 ट्रे की मशीन है, आप देख पा रहे हो 2 ये हैं और 2 नीचे हैं। और जैसे कि कुछ मशीन्स होती हैं जो 2 ट्रे की होती हैं, जैसे कि मेरे पास एक मशीन है वो अंदर लगी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि दोस्तों, आप देख पा रहे हो ये सामने जो मशीन है इसमें सिर्फ 2 ही ट्रे हैं, 1st और 2nd, और बाकी जो नीचे है वो ट्रॉली है, जिसमें है कि हम अपने जो बेसिक ड्रम वगैरह हैं, इन मशीनों के स्पेयर पार्ट्स, वो हमने इसमें स्टोर करके रखे हैं। तो यही होता है कि इन मशीनों में अगर पिकअप यूनिट है तो वो प्रॉब्लम कर रही है, तो उसे हम कैसे रिपेयर करें, और अगर वो रिपेयर भी ना होती है तो उसे हम चेंज कर सकते हैं। और अगर हमारे पास अभी पिकअप यूनिट अवेलेबल नहीं भी है, तो इनको हम डिसकनेक्ट करके 1st और 2nd ट्रे से कनेक्ट करके मशीन को ऑलमोस्ट चालू तो कर ही सकते हैं, जिससे कि हमारा काम जो है रुके ना और जो कस्टमर्स हैं वो लौटे नहीं। तो दोस्तों, आज मैं आपको वही बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पे मिल पाए। तो दोस्तों, बिना देरी करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो मैं थोड़ा डिटेल से बात करूँगा पिकअप यूनिट के बारे में। तो दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, आप बारी बारी पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ पाएगा। दोस्तों, ये मशीन है, और बाकी और भी जो अदर मॉडल की मशीन होती हैं, जैसे मैंने अभी आपको अंदर दिखाई थी 2 ट्रे वाली मशीन, उसकी भी पिकअप यूनिट है, लगभग खोलने का तरीका और उन्हें रिपेयर करने का तरीका सेम है। तो मैं आज आपको बता देता हूँ इनको कैसे हम रिपेयर कर पाएंगे और इनकी जो रबर्स वगैरह हैं हम कैसे सही कर पाएंगे, रिप्लेस कर पाएंगे, तो मैं आपको बताता हूँ वीडियो में। तो दोस्तों, थोड़ा सा ये मशीन को मैं आगे की तरफ शिफ्ट कर लेता हूँ, जिससे कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। और दोस्तों, मशीन के जो भी कनेक्शंस हैं, जैसे पावर कनेक्शंस हैं, वो हमें डिस्कनेक्ट करना है, जैसे कि यहाँ इस प्लजर से हमें मशीन का वायर है वो निकाल देना है, उसके बाद हमें ये सब प्रोसेस करनी है। तो दोस्तों, ये हमने मशीन को घुमा लिया है, तो इसको इसकी पिकअप यूनिट को हमें कैसे खोलना है वो मैं आपको बारी बारी से बताता हूँ। तो दोस्तों, इसको खोलने के लिए हमें सिंपली पहले मैं आपको पिकअप यूनिट समझाता हूँ कि पिकअप यूनिट होता क्या है। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए पहले हमें इसका साइड डोर खोलना पड़ेगा, और साइड डोर के नीचे जो ये डोर होता है इसको मैं सिंपली यहाँ ओपन करना पड़ेगा। ये दोनों तीनों डोर हैं, मैं ओपन कर लेता हूँ। और करने के बाद आप दोस्तों ये देख पा रहे हैं, ये जो यूनिट है, ये वाली यूनिट लगी हुई है 1, 2, और इसके नीचे भी लगी हैं 3, 4। ये जो यूनिट होती है इनको पिकअप यूनिट बोलते हैं। तो इन्हें हम कैसे रिपेयर कर पाएंगे, और जो भी यूनिट हमारी प्रॉब्लम कर रही है उसे हम निकाल के रिप्लेस कैसे कर पाएंगे, और अगर उसमें यूनिट में अगर कुछ रिपेयर होने के लायक है तो हम उसे रिपेयर कैसे करेंगे, वो मैं आपको समझाऊंगा। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हमें 3 और 4 यूनिट है पिकअप यूनिट, 3rd नंबर ट्रे की और 4th नंबर ट्रे की, इनको हमें सही करना है। जैसे कि कोई भी एक यूनिट ले लेता हूँ मैं, जो आपको मैं रिपेयर करके दिखा देता हूँ, तो जिससे कि आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, जैसे कि बेसिकली मैं मानता हूँ 3rd नंबर की जो पिकअप यूनिट है, मैं उसको रिपेयर करना है या चेंज करना है, तो उसके लिए हमें पहले अपनी जो ट्रे हैं 3 नंबर की और 4 नंबर की, उनको बाहर निकाल लेना है। यहाँ से हम जो दोनों ट्रे को हैं बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद ये पिकअप यूनिट से ये ट्रे के कनेक्शन हैं वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, जिससे कि हम ईज़िली इसके नट बोल्ट खोल के इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने इसकी 3 और 4 नंबर ट्रे हैं वो निकाल के यहाँ रख ली हैं, दोनों ट्रे रखी हैं। और उसके बाद मैं आपको यहाँ साइड में दिखा दूँ,
जैसे कि हमें नीचे के ट्रे हैं उनको खोलना है। तो दोस्तों ये ट्रे निकालने के बाद हमें ये पिकअप यूनिट को ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के लिए दोस्तों हमें इसके कुछ कवर्स होते हैं जो साइड में लगे होते हैं, उन्हें हमें ओपन करना पड़ेगा। तो मैं इनको ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। और उससे पहले हमें ये जो कवर हैं, इनके ढक्कन हैं, वो हमें रिमूव कर लेने हैं। इनको रिमूव करने के लिए सिंपली इसमें ये वाइट कलर का जो लॉक लगा है, आप दोस्तों इसको निकाल सकते हैं। इसको निकालने के लिए सिंपली इस ट्रे को आप ऊपर करेंगे तो ये सिंपली बाहर निकल आएगी। ऐसे ही ये वाली भी ट्रे बाहर निकलती है, तो इन दोनों को हम बाहर निकाल लेते हैं। इनको बाहर निकालने के बाद हमें ये वाला जो कवर है वो ओपन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। उसके बाद हमें ये निकालना पड़ेगा, फिर ये पत्ती है उसको भी निकालना पड़ेगा, और साइड के ये वाले दो कवर हैं उनको भी निकालना पड़ेगा। उसके बाद हमें जो भी पिकअप यूनिट खोलनी है उसके लिए हमें ओपन के लिए नट्स हैं वो सामने दिख जाएंगे। तो मैं आपको इन कवरों को खोल लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको आगे बता देता हूँ वीडियो में। तो दोस्तों इस वाले कवर का जो है नट वो हमने खोल लिया है, तो अब सिंपली हमें इस वाले कवर को बाहर निकालना है। और इस कवर को बाहर निकालने के लिए दोस्तों ये फर्स्ट और सेकंड ट्रे हैं वो हमें खोलनी पड़ेंगी। उसके बाद हमें फ्रंट डोर है इसका ये वाला, ये भी हमें यहाँ से खोलना पड़ेगा। उसके बाद ये कवर बाहर आएगा। तो ये हमने फर्स्ट और सेकंड ट्रे खोल दी है। खोलने के बाद हमें एक इसके नट इसके नीचे और लगा होगा, जैसे कि एक आप पास में देख पा रहे, ये नट और लगा है, एक यहाँ होता है, ये है, और एक इसके नीचे भी होता है इस जगह यहाँ पर। तो ये मैंने नट खोल लिए हैं, एक ये नट रह गया, तो मैं इसको भी आपको खोल के दिखा देता हूँ। बारी बारी खोल के हमें साइड में रख लेते हैं, क्योंकि फिर इनको हमें बाद में लगाना ही पड़ेगा। इनको खोलने के बाद ये वाला जो कवर है वो हमारा बाहर आ जाएगा, और एक यहाँ छोटा सा लॉक होता है, आप यहाँ देख पा रहे हो, इसको आप थोड़ा सा दबाओगे तो ये बाहर आ जाएगा। ये वाला लॉक होता है यहाँ, तो ये हमें सारे कवर हैं उनको बारी बारी निकाल के साइड में रख लिया है, जैसे कि हम मशीन को सही करने के बाद इनमें हम दोबारा से फिट कर पाएँ। इस वाले कवर को निकालने के लिए हमें तीनों चार नंबर ट्रे को खोलना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ एक स्क्रू होता है ये वाला, इसको खोलेंगे तो ये भी कवर है वो हमारा बाहर आ जाएगा। तो मैं इसको भी स्क्रू खोल लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने इसका ये वाला स्क्रू है वो भी ओपन कर लिया है, तो सिंपली अब इसको मैं यहाँ से निकाल के साइड में रख देना है। तो उसके बाद हमें ये नीचे वाली पत्ती निकालनी है, जिसके लिए हमें एक नट यहाँ मिलेगा और एक नट इस तरफ मिलेगा, तो इनको भी हमें ओपन करके उस पत्ती को भी साइड में रख देना है। तो मैं इनको भी ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये वाला कवर हमें खोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें जो काम करना है वो तीन नंबर की पिकअप यूनिट में करना है। जो तीन नंबर की ट्रे है उस पिकअप यूनिट में करना है, तो वो पिकअप यूनिट ये वाली होती है। तो ये वाली पिकअप यूनिट के लिए हमें इस कवर को खोलने की ज़रूरत नहीं है। जब हमें चार नंबर की ट्रे की पिकअप यूनिट में काम करना हुआ तब हम ये वाला कवर खोलेंगे, अन्यथा हमें इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली इसको छोड़ के बस हमें इसके जो साइड्स कवर हैं, एक ये वाला कवर है, ये वाला ऊपर, तो इनको हमें ओपन कर लेना है, इसको छोड़ना है, इस वाले कवर को नहीं निकालना है। तो मैं इन दोनों को भी खोल लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे इसको निकालना बताता हूँ पिकअप यूनिट को। तो दोस्तों हमने ये वाला कवर है इसके भी स्क्रू खोल लिए हैं, तो इसको भी हमें साइड में निकाल के रख देना है। और एक ये वाला कवर है इसके भी हमें स्क्रू खोल लिए हैं, हमें इसको देखना है साइड से कि ये किस तरफ से लॉक है। दोस्तों ये वाला कवर हमारा इस ऊपर वाले कवर से लॉक है, तो हमें ऊपर वाले कवर को भी खोलना पड़ेगा। तो हम ऊपर वाले कवर को भी खोल लेते हैं। ऊपर वाले कवर को खोलने के लिए एक स्क्रू यहाँ है और एक यहाँ लगा है, मैं इनको भी खोल लेता हूँ, फिर आपको आगे बताता हूँ। तो दोस्तों नट खोलने के बाद ये वाला कवर है वो भी हमें निकाल के साइड में रख देना है, और फिर उसके बाद हमें ये वाला कवर है नीचे का, इसको भी निकाल लेना है। इसमें एक ये लॉक लगा है यहाँ पर, तो इसको दबा के आप इसको भी निकाल के साइड में रख देना है। तो उसके बाद दोस्तों आप देख पाओगे कि ये तीन नंबर की जो पिकअप यूनिट है ये हमारे सामने आ जाएगी, और इसके जो भी कनेक्शंस हैं आप देख पा रहे हो,
इसमें तीन नंबर की जो ट्रे का पिकअप यूनिट का कनेक्शन है वो ये वाला है, येलो वाला आपको ऊपर दिख रहा होगा। तो इसको हमें पहले डिस्कनेक्ट करना है, निकालना है बाहर, उसके बाद हमें ये वाले जो नट्स हैं वो वाले ओपन करने पड़ेंगे, और ये दो नट हैं ओपन करके हमें पिकअप यूनिट को बाहर निकालना पड़ेगा। उसके बाद हम इसमें आप आगे दिखाते हैं आपको क्या क्या हमें इसमें करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम सिंपली इसका जो पिकअप यूनिट का कनेक्शन है इसको निकाल लेते हैं। निकालने के बाद इसके ये वाले नट हैं, एक ये नट है और एक ये है, तो ये हमें ओपन करना पड़ेगा। नट को हमें निकाल के साइड में रख देना है। दोस्तों ये नट हमने खोल लिए हैं। अब नट खोलने के बाद हमें इस पिकअप यूनिट को बाहर निकालना है। बाहर निकालने के लिए दोस्तों इसमें 4 नंबर की पिकअप यूनिट में एक सेंसर लगा होता है, उसे भी ओपन करना पड़ेगा, तभी ये हमारी पिकअप यूनिट बाहर आएगी। जैसे कि दोस्तों ये है इसका सेंसर, आप देख पा रहे हो, आपको पास दिखा दो, ये सेंसर है। क्योंकि जब हम पिकअप यूनिट को बाहर निकालेंगे तो ये सेंसर से अड़ेगा पिकअप यूनिट, इसलिए हमें सेंसर को भी खोलना पड़ेगा, और खोल के इसको साइड में इधर ही लटका देना, उसके बाद ही हमारी पिकअप यूनिट बाहर आ जाएगी। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं अभी पिकअप यूनिट को बाहर लेके, तो देखिए यहाँ पे अड़ेगी इससे पिकअप यूनिट, ये वाला कोना है इसका, यहाँ से अड़ेगा, तो ये सेंसर भी टूट सकता है, इसलिए हमें थोड़ा सावधानी रखनी है, और सेंसर को खोल के हमें इधर साइड से लटका देना है। ये सेंसर का भी हमने स्क्रू खोल के सेंसर को हमने यहाँ साइड से लटका दिया। उसके बाद हमें ये 3rd नंबर की पिकअप यूनिट है, इसको हमें पकड़ के यहाँ से पकड़ के बाहर निकाल लेनी है, तो ये हमारी पिकअप यूनिट है वो बाहर आ जाएगी। ये होती है इसकी पिकअप यूनिट। और इसमें दोस्तों मैं आपको बताऊँ, इसमें पिकअप रोलर वगैरह हैं, वो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लगे हैं अपने इसके पिकअप रोलर्स, ये हैं। रोलरों को भी हमें निकाल के अच्छे से साफ़ कर लेना है, उसी के बाद हमें पिकअप यूनिट में लगाना है। उसके बाद इसमें मैं आपको इस पिकअप यूनिट को ओपन करके भी दिखाता हूँ कि इसमें जनरली जो ख़राबी होती है वो कैसे आती है, और इसमें जो टोनर वगैरह होता है फैलता है, तो उन्हें हम साफ़ कैसे करेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इनके जो रोलर हैं उनको साफ़ करने का तरीका बता देता हूँ, और इन्हें कैसे निकालना है मैं वो आपको समझा देता हूँ। दोस्तों जैसे कि ये ब्लैक वाला रोलर है, इसके नीचे आपको ये एक पत्ती दिख रही है वाइट वाली, उसको आपको हल्का सा अंदर की तरफ प्रेस करना है और बाहर की तरफ खींच लेना है, तो ये बाहर आ जाएगा। जैसा कि मैं इसको अंदर की तरफ प्रेस करूँगा, मैं आपको रोलर निकाल के दिखा देता हूँ। इसको हमें इस तरीके से प्रेस करना है, ये अगर ये लगा होता है ऐसे तो उसको ऐसे हमें दबाना है, उसको बाहर खींच लेना है, तो ये आ जाएगा। और इसी तरीके से ये वाला रोलर भी बाहर आता है, ये इसकी पिन यहाँ पर है, तो इसे हमें दबा के बाहर खींच लेना है। और उसके बाद हमें इसको अच्छे से पानी से, या थिनर हो या एल्कोहल, उससे हमें अच्छे से इसको साफ़ करके दोबारा लगा देना है। इसको आप देख पा रहे हो, इनमें थोड़ा सा टूनर है जो काला था चिपक गया है, और इसको निकालने के लिए दोस्तों ये पिन होती है वो हल्की दबानी पड़ती है, उसके बाद ही ये बाहर आएगा। वैसे भी इस रोलर में मुझे ज़्यादा कोई ख़राबी नहीं लग रही है, मैं आपको दिखा दूँ, ये रोलर हमारा बिल्कुल सही है। लेकिन फिर भी अगर ये आपको निकालना है तो ये जो वाइट लॉक है,
जो हल्का सा यहाँ से उभरा हुआ है ये वाला, इसको आप ऐसे दबाओगे अंदर की तरफ तो ये दब जाएगा, और इसको बाहर की तरफ प्रेस करोगे तो ये बाहर आ जाएगा। मैं इस रोलर को बाहर निकाल लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको समझाता हूँ कि इसे कैसे प्रेस करना है। तो दोस्तों मैंने ये रोलर देखो आप बाहर निकाल लिया, और ये जो पिन है आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ पास से, देखिए इस तरीके से दिखती है। इसे हमें ऐसे प्रेस करना पड़ता है, दबाना पड़ता है अंदर की तरफ, इस तरीके से इसे हमें दबाना पड़ता है, उसके बाद ये रोलर है बाहर आता है। अब हमने इसको बाहर निकाल लिया, तो अब हम इसको अच्छे से साफ़ करके इसमें दोबारा से लगा देंगे। तो मैं इनको अच्छे से साफ़ कर लेता हूँ, फिर उसमें दोबारा से इनको लगा देता हूँ। तो दोस्तों मैंने इन्हें साफ़ कर लिया है, साफ़ करने के बाद इनको लगाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो ब्लैक कलर का ये पार्ट है वो हमारा अंदर की तरफ रहेगा, इसको मैं आपको लगा देता हूँ। इसको ऐसे लगाना है हमें, और इसको अंदर की तरफ हमें सिंपली प्रेस कर देना है। तो ये कुछ इसमें ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, ये आसानी से चला जाएगा। जाने के बाद इसमें हमें यहाँ देखना है कि ये अच्छे से लॉक हुआ है या नहीं। तो इसमें जो वाइट कलर का जो लॉक था जो इसे लॉक करके रखता है, देखो अभी ये अच्छे से लॉक नहीं हुआ, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है वो पूरा यहाँ तक चिपक जाता है। तो इसको हम थोड़ा सा और प्रेस करेंगे जिससे कि ये हमारा अच्छे से लॉक हो जाए। ये वाला रोलर हमारा अच्छे से इसमें इंस्टॉल हो गया, और उसके बाद हम ये वाला ब्लैक कलर का रोलर इंस्टॉल करेंगे। ब्लैक कलर का रोलर हमें इसी तरीके से इंस्टॉल करना है, इसको हमें सिंपली अंदर की तरफ थोड़ा सा धक्का देना है और ये इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद हमें ये वाला रोलर है वो भी ऐसे ही इंस्टॉल करना है, इसको रॉड में फंसा के हल्का सा प्रेस करना है, तो ये दोनों लॉक हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों हमें इसके ऊपर ये रॉड लगी हुई है, इसको भी अच्छे से साफ़ कर लेना है, क्योंकि इस पर भी आपको दिखाऊँ ये टूनर वगैरह यहाँ चिपका हुआ है, तो ये भी हमें अच्छे से साफ़ कर लेना है। उसके बाद मैं आपको इस तरफ ले चलता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो गियर वगैरह लगे होते हैं इनमें, ये वाले सिस्टम होते हैं, मोटर होती हैं, गियर वगैरह, और यहाँ पर ये सोलेनोइड होता है ये वाला, तो इनमें क्या है थोड़ा सा टूनर वगैरह आ जाता है, और कभी कभी मॉइस्चर की वजह से इनमें चिपचिपाहट आ जाती है सोलेनोइड में, तो ये सही से काम नहीं करता, तो इसे हमें साफ़ कर लेना है। तो दोस्तों इस सोलेनोइड को खोलने के लिए एक यहाँ नट लगा है, तो उस नट को खोलने के बाद इस सोलेनोइड बाहर आ जाएगा। उसमें ये पत्ती लगी है यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें ये वाली जो पत्ती है वो यहाँ ऐसे चिपकती है, इसमें देखिए इस मूवमेंट कर रही है, तो यहाँ पर टोनर लग जाता है कभी कभी, तो उसे हमें अच्छे से साफ़ कर लेना है। और उसके बाद दोस्तों अगर आपको ये पत्ती ये खोलने में सक्षम है, और इसमें आपको पहले भी आपने अगर खोली हुई है तो ही खोलें, क्योंकि अगर ये पत्ती खोलने के बाद गियर वगैरह नीचे गिर जाते हैं तो उसमें सेटिंग बिठाने में आपको काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। तो मैं यही सलाह दूंगा कि आप इसको सिंपली बाहर निकाल के साफ़ सफाई करके, और उसमें ब्लोअर लगा के, इसमें जो अंदर आप देख पा रहे हो ये टोनर है, जो गियरों में ब्लैक कलर का टोनर लगा हुआ है यहाँ पर, और ये भी फैला हुआ है, तो इसको बाहर से ब्लोअर से साफ़ कर दीजिए अच्छे से, तो ये गियर वियर में जो टोनर भरा है वो साफ़ हो जाएगा। उसके बाद मेन इसमें सोलेनोइड होता है, तो सोलेनोइड को निकाल के चेक कर लेना, तो ये ऐसे यहाँ पर ये मूवमेंट कर रहा है एक जगह अंदर की तरफ, मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर ऐसे ही तपता है, ये यहाँ पे चिपकना नहीं चाहिए, जैसे कि यहाँ जाता है तो चिपक जाता है कभी कभी, थोड़ी लेट छूटता है, तो ये सही से अभी हमारा वर्क कर रहा है, तो अभी इसको भी हम नहीं खोलेंगे, वरना इसको हम ऐसे इस नट से ओपन करके बाहर निकाल लेना है, और उसको सोलेनोइड को यहाँ पे टोनर ओनर होगा साफ़ करके दोबारा इसमें चिपका देना है। तो ये पिकअप यूनिट में हमारा इतना सा ये पार्ट होता है। तो दोस्तों अगर आपके पास जैसे कि दूसरी पिकअप यूनिट है और आपकी ये पिकअप यूनिट ख़राब हो गई है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस वाली पिकअप यूनिट को रिपेयर करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये कम ही रिपेयर होती है, और इनमें जो थोड़ी बहुत दिक्कत होती है वो तो ठीक हो जाती है, अदरवाइज़ इसमें ऐसा कुछ होता नहीं है रिपेयर होने के लायक।
ज़्यादातर ये नई लगानी पड़ती हैं, मार्केट से आप परचेज करेंगे इसको नई लगा दीजिए। अगर आप इसमें थोड़ा बहुत जानते हैं तो आप इसमें रिपेयर कर लेना तो ये ठीक हो जाएगी। ज़्यादातर जो होती हैं वो रोलर्स वगैरह की प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे ये रोलर है और ये पिकअप यूनिट है, इनकी प्रॉब्लम्स होती है। तो दोस्तों ये हमने पिकअप यूनिट के बारे में आपको समझाया। तो दोस्तों अगर जैसे कि ये पिकअप यूनिट हमारी मशीन में ही लगी हुई है और आपको जैसे कि सिर्फ इसके पिकअप ही रोलर्स वगैरह हैं वो चेंज करना है तो वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको उसी वीडियो में समझा देता हूँ। दोस्तों जैसे कि मान लो ये पिकअप यूनिट हमारी मशीन में ही लगी है इसी तरीके से, और जब हम डोर को खोलते हैं तो ये पत्ती ऐसे निकल आती बाहर, तो हम जब यहाँ से इनको रोलर को खोलने की कोशिश करते हैं ऐसे हाथ डाल के तो ये हमें दिक्कत क्रिएट करती है ये वाली पत्ती। तो इस पत्ती को हमें निकालने का एक मैं आपको तरीका बताता हूँ। इस पत्ती में एक यहाँ पर लॉक होता है अंदर की तरफ ये वाला लॉक, तो इसको हमें ऐसे पकड़ के बाहर की तरफ थोड़ा खींचना है और ऊपर की तरफ उठाना है तो ये हमारा बाहर आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको निकाल के बाहर समझा देता हूँ, ये जो लॉक होता है वो हमारा यहाँ एक होल होता है उसमें कनेक्ट होता है, तो इसको हमें तो दोस्तों ये वाला लॉक है वो यहाँ जाकर होल में फिट होता है, तो इसको हम साइड में रखते हैं। उसके बाद दोस्तों आप देख पा रहे हो कि हमारे जो पिकअप रोलर हैं वो हम यहाँ पे आसानी से इनको दबा के खोल पाएंगे और इनको आसानी से लगा पाएंगे। तो ऐसे ही हमें ये रोलर्स को जब पिकअप यूनिट हमारी मशीन में ही लगी है तो इस वाली ट्रे को हमें बाहर निकाल लेना है और इन रोलर को आसानी से हम बाहर निकाल के साफ़ सफाई करके दोबारा लगा सकते हैं, और अगर जो बिल्कुल ही ख़राब हो जाए तो उनको चेंज भी कर सकते हैं। ये सब करने के बाद फिर इसको हमें इस वाली जो ट्रे है उसको वापस हमें यहाँ लगा देना है। लगाने के लिए इसमें ये होल है, ये होल में हमें इनको बिठाना है अच्छे से। बिठाने के बाद इसका जो घर जो लॉक है उसको हमें थोड़ा सा अंदर की तरफ प्रेस करके इसमें अंदर उस होल में बिठाना पड़ेगा। जब ये अच्छे से वहाँ बैठ जाएगा तो उसके बाद ये अच्छे से मूवमेंट करने लगेगा इसी तरीके से, इस तरीके से जब कर रहा है। तो दोस्तों ये पत्ती है वो हमने इसमें फिट कर ली है, उसके बाद इसमें जो भी हम रिपेयर कर सकते थे और इसमें जो साफ सफाई कर सकते थे वो हमने इसमें सारी कर ली है। और करने के बाद दोस्तों हमें सिंपली इसको इसकी जगह लगा देना है यहाँ पर, और लगाने के बाद हमें मशीन को स्टार्ट करके देखना है और उसमें वर्किंग करके देखना है कि हमारी जो पिकअप यूनिट है रिपेयर होके अच्छे से चल रही है या नहीं चल पा रही है। और अगर दोस्तों ये फिर भी सही नहीं होती है तो मैं आपको बताऊँ, जैसे कि इसमें 4 नंबर ट्रे में मैं आपको दिखाऊँ ये लीवर है, अगर कहीं 3 या 4 नंबर पिकअप यूनिट में से अगर ये लीवर प्रॉब्लम करता है तो ये साइड डोर है यहाँ का वो खोलने का एरर बार बार हमारी मशीन देती है, और जबकि यहाँ कोई पेपर वगैरह फंसा नहीं होता है। तो ये लीवर है सब में, सभी पिकअप यूनिट में होता है, ये इसमें भी है, इसमें भी है, और एक यूनिट ऊपर है हमारी फर्स्ट नंबर उसमें भी है। तो ये 3 नंबर पिकअप यूनिट जिसको हम रिपेयर कर रहे हैं आप दोस्त देख पाओगे कि ये लीवर इसमें नहीं है यहाँ पर, तो ये यूनिट क्या है यहाँ पर दिक्कत कर रही थी, ये लीवर है इसका ये टूट गया है। तो हमारी मशीन एरर शो करती है कि ये वाला डोर खोलिए और यहाँ से पेपर जो जाम है वो निकालिए, तो ऐसा एरर हमारी मशीन शो करती है। तो जब हम चेक करते हैं तो हमारी पिकअप यूनिट में भी दिक्कत नहीं है, हमें समझ नहीं आ पाता है कि प्रॉब्लम क्यों आ रही है। तो बाद में हमें पता चलता है कि ये लीवर की प्रॉब्लम है जिसके चलते ये साइड डोर का एरर हमारे स्क्रीन पर आ रहा है मशीन के पे। तो इसको क्लियर करने के लिए हमें सिंपली या तो ये वाला लीवर है हमें उस पिकअप यूनिट में डालना पड़ेगा तब वो एरर क्लियर होगा, और नहीं तो हमें पूरी पिकअप यूनिट को चेंज करके दूसरी नई पिकअप यूनिट को यहाँ लगाना पड़ेगा। उसके बाद ये हमारी नीचे की पिकअप यूनिट है, नीचे की जो यूनिट होती हैं दोनों पिकअप यूनिट की एक ही कनेक्शन होते हैं, यहाँ से जो आते हैं इस जगह से मदरबोर्ड पर है एक पीछे वहाँ से आते हैं। तो जब तक ये एरर क्लियर नहीं होगा हमारी मशीन भी आगे चालू नहीं होगी। तो दोस्तों जैसे कि अगर आपके पास पिकअप यूनिट अवेलेबल नहीं है और आप चाहते हैं कि मशीन हमारी एटलीस्ट चालू हो जाए और फर्स्ट और सेकंड ट्रे जो हमारी सही कंडीशन में वर्किंग कर रही है तो उनसे हमें इस मशीन को चलाना है, तो उसके लिए हमें ये जो वायर है पीछे जो मदरबोर्ड से आ रहा है
इसमें इसमें पीछे एक बोर्ड लगा था, उसमें पावर कनेक्शन होता है, उसको डिसकनेक्ट करना पड़ता है, जिससे कि जो मशीन हम जब चालू करते हैं, रिस्टार्ट करते हैं, तो जो मशीन होती है वो हमारी फर्स्ट और सेकंड ट्रे को ही लोड करती है, उसके आगे जो थर्ड और फोर्थ ट्रे हैं उनको लोड नहीं करती है, क्योंकि वहाँ पर हमारी पावर नहीं जा पा रही है उस बोर्ड तक। तो मशीन ये समझती है कि हमारे पास सिर्फ दो ही ट्रे अवेलेबल हैं, तो उन्हीं से हमें काम करना है। तो उस पावर कनेक्शन को हटाने के लिए हमें ये वाला ढक्कन पीछे खोलना पड़ेगा, तो ये भी मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, और पावर कनेक्शन को कैसे डिसकनेक्ट करना है तो वो भी मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। मैं आप मशीन को थोड़ा टर्न कर लूँगा, फिर आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मैंने मशीन घुमा ली है, मशीन घुमाने के बाद हमें ये वाला कवर ओपन करना पड़ेगा। तो इसमें कुछ दो तीन स्क्रू होते हैं वहाँ से लेके आता, और एक ये वाली पत्ती है वो हमें खोलना है, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ उसमें कि कहाँ पर किस बोर्ड से हमें डिसकनेक्ट करना है कनेक्शन को, मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों मैंने इसके जो सारे स्क्रू हैं वो ओपन कर लिए, तो ये वाला कवर यहाँ हटा देंगे। हटाने के बाद मैं आपको बोर्ड दिखा देता हूँ, जैसे कि ये यहाँ का बोर्ड है, तो इसमें से ये कनेक्शन है, एक यहाँ लगता है, एक यहाँ, ये वाली वायर है, ये दोनों वो यहाँ लगी हुई होती है इस तरीके से। ये इस तरीके से यहाँ पे लगी हुई होती है, और इन्हीं से हमारी पावर जो है वो बोर्ड में यहाँ आती है। एक कनेक्शन यहाँ लगा होता है, एक यहाँ। आप चाहो तो यहाँ से कनेक्शन को डिसकनेक्ट कर देना, ये वाले निकाल देना कनेक्शन, एक इसको और एक इसको, और चाहो आप तो यहाँ से निकाल देना, कहीं किसी भी एक जगह से आप कनेक्शन को निकाल देना, जिससे कि जो पावर सप्लाई है वो हमारी इस बोर्ड तक नहीं पहुँच पाए, जिससे कि जो बोर्ड है हमारा आगे प्रोसेस नहीं लेगा, और ये प्रोसेस नहीं लेगा तो हमारी मशीन जब रिस्टार्ट होगी तो मशीन में सिर्फ दो ही ट्रे लोड होंगी, फर्स्ट और सेकंड, और उन्हीं से हमारी मशीन आगे काम करेगी। तो हमें ये वाले जो कनेक्शन हैं उनको निकाल देना है, निकालने के बाद इनको हमें ऐसे ही छोड़ देना है, बस साइड से हमें ऐसे रख देना है कि ये बाहर की तरफ ना निकलें। इन फ्यूचर जब भी हमारे पास पिकअप यूनिट अवेलेबल होगी तो इन कनेक्शन को लगा के हम अपनी तीन और चार नंबर को ट्रे को द्वारा से चालू करेंगे। तो अभी हमें इनको ऐसे ही छोड़ देना है, अच्छे से देखना है कि आपस में टकराए ना, और ये बाहर नहीं निकलने चाहिए, इसमें कटा पिटी भी नहीं होनी चाहिए वायरों में। तो इनको कनेक्शन को निकालने के बाद हमें ये वापस से ट्रे जो हमने यहाँ खोली थी वो हमें वापस से पैक कर देनी है, और पैक करने के बाद हमने जो पिकअप यूनिट यहाँ पर रखी है वो भी हमें यहाँ फिट करनी है, और फिट करने के बाद मशीन हम जब चालू करेंगे तो थर्ड और फोर्थ ट्रे है वो हमारी मशीन में शो नहीं करेगी, सिर्फ दो ट्रे शो करेंगी, और इससे कम से कम ये होगा कि हमारी मशीन चालू हो जाएगी और हम अपना जो फोटोकॉपी का वर्क करते हैं वो हम आगे कंटिन्यू रख पाएंगे, और जो कस्टमर है वो लौटेंगे नहीं। तो मैं ये पैक कर लेता हूँ, और पिकअप यूनिट भी आपको फिट करना, मैं आपको बताता हूँ कैसे फिट करना है। मैं जब तक ये वाला पीछे का ढक्कन है ये लगा देता हूँ, फिर आपको पिकअप यूनिट के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों मैंने ये पीछे का जो ढक्कन है वो लगा दिया है, और उसके बाद हमने जो पिकअप यूनिट यहाँ से निकाली थी उसको हम वापस से लगाएंगे। उसको लगाने से पहले हमें जो हमने ये ट्रे खोली थी नीचे की, तीन और चार नंबर की जो ट्रे हैं वो हमें दोबारा से खोलना है, और खोलने के बाद फिर हमें अपने पिकअप यूनिट को उठाना है। उठा के इसको सिंपली हमें इसी तरीके से अंदर रखना है, जिससे कि ये अच्छे से फिट हो जाए, और जब ये अपनी जगह पर पहुंच जाएगी तो पहुंचने के बाद इसमें जो यहाँ हम नट लगाते हैं इस पत्ती के द्वारा, देखिए वहाँ पे ऑटोमेटिक मैच होने लगेंगे उसके होल, इस तरफ भी है। तो ये होने के बाद हमने जो यहाँ से नट खोले थे दो उधर से और दो उधर से, तो वो हम इनको लगा देंगे। तो मैं ये इनको लगा लेता हूँ। तो ये नट लगाने के बाद हमने यहाँ पे ये नट लगा दिए हैं, तो उनके बाद हमने जो यहाँ से कनेक्शन खोला था उसको हमें वापस से यहीं लगा देना है। कनेक्शन लगाने के बाद ये जो सेंसर है उसे हमें वहीं पे फिट करना है, जिससे कि हम जब साइड डोर लगाएंगे तो ये सेंसर साइड डोर का है, ये हमें बताता है कि साइड डोर बंद हो चुका है, हम मशीन को आगे प्रोसेसिंग लेना है, तो ये हमें बताता है, तो इसको भी हम फिट कर देते हैं यहाँ पे।
ये सेंसर भी हमने यहाँ पे लगा दिया है। अब उसके बाद हमने जो यहाँ से साइड कवर खोले थे वो हमें फिट करना है। तो साइड कवर में हम सबसे पहले अपना ऊपर कवर लगाएंगे, ये वाला। ये हमारा यहाँ लगेगा, इसको लगाने से पहले दोस्तों हमें इसके नीचे का कवर लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसके नीचे के कवर में एक लॉक होता है, वो हमें वहाँ लगाना पड़ता है। ये कवर लगेगा इसको लगाने के लिए, इसमें जो हैंडल होता है उसे हमें इसमें से निकालना पड़ेगा, फिर इसको फिट करना पड़ेगा। जिस तरीके से हमने इसे खोला था उसी तरीके से हमें इसे लगाना है। ये लॉक है, ये भी यहाँ हमें फिट हो गया। उसके बाद हमें इसमें ये नट लगा देना है, तो ये नट भी मैं लगा देता हूँ। इस कवर को लगाने के बाद मैंने ये वाला कवर इसमें फिट कर लिया है। इसके बाद हम इसके नीचे के कवर हैं वो लगाएंगे। ये जो कवर है वो यहाँ लगेगा, तो इनमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जैसे हमने इसको खोला था उसी तरीके से हमें इनको लगा देना है। तो मैं ये सारे कवर को लगा लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ वीडियो में। तो दोस्तों इसके ये सारे कवर हैं वो हमने आसपास से फिट कर लिए हैं। उसके बाद हमने ये इनके ये साइड डोर निकाले थे वो हमें फिट करना है। साइड डोर को फिट करने के लिए इसमें ये वाला होल होता है वो हमें इस पिकअप यूनिट में यहाँ फिट करना है। इसको हमें फिट करने के बाद इसमें सांचा होता है उसमें लगाना है और इसको लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद इसको आप देख पा रहे हो अच्छे से लटक भी जाएगा, गिरेगा भी नहीं और फिर यहाँ लॉक भी हो जाएगा। तो इसको लगाने के बाद इसके जो थर्ड और फोर्थ पिकअप यूनिट को जो कवर करना है ये वाला हमें उसको लगाना है। इसको भी लगाने का वही तरीका है, इसमें जो पिकअप यूनिट में यहाँ होल होता है ये वाला इसमें हमें लगाना है। तो नीचे यहाँ पे भी इस ढांचे में हमें अच्छे से फिट करके इस लॉक को यहाँ इसमें सही से बिता देना है। उसके बाद ये भी हमारा अच्छे से लॉक हो जाएगा। उसके बाद साइड डोर को लगा देना है। उसके बाद हम मशीन स्टार्ट करेंगे। मशीन स्टार्ट करने पर हम देखते हैं, इसमें आगे आपको स्क्रीन पर ले चलते हैं, इसमें समझाते हैं। मशीन को हमने अपनी जगह पर रख लिया है, वहाँ से कनेक्शन भी लगा दिए। कनेक्शन लगाने के बाद हम मशीन को स्टार्ट करते हैं, तो फिर मशीन पे आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं कि हमने इसमें से जो पीछे से थर्ड और फोर्थ ट्रे के पिकअप यूनिट के कनेक्शन हटाए थे तो हमारी स्क्रीन पे वो अभी भी शो कर रही हैं या नहीं, तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। तो आप देख पा रहे हो यहाँ से जो थर्ड और फोर्थ ट्रे हमारी जो नीचे शो करती है वो यहाँ से हट गई है, क्योंकि हमने पीछे से जो कनेक्शन हटाया था उससे हमारी मशीन ने थर्ड और फोर्थ नंबर को यहाँ पे नहीं लिया है। और मशीन ये मशीन को हम ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इसमें सिर्फ दो ही ट्रे लगी हुई हैं, तीन और चार हमने इसमें नहीं लगाई हैं, तो वो मदरबोर्ड हमने वहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया है। तो ये हमारी फर्स्ट और सेकेंड ट्रे से हमारी मशीन वर्क करेगी और हम जो भी फोटोकॉपी और प्रिंट आउट का आगे अपना वर्क करना चाहते हैं इन दो ट्रेयों से कंटिन्यू कर सकते हैं, जब तक कि हमारे पास पिकअप यूनिट रिपेयर हम उसको अच्छे से नहीं कर लेते या दूसरी पिकअप यूनिट हमारे पास जब तक अवेलेबल नहीं होती है तब तक हम ऐसे ही इसमें फोटोकॉपी वगैरह करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जैसे कि आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल पाए। और
दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।